सो अभी हम सभी दोस्त एक साथ इकट्ठा हुए हैं और हम जा रहे हैं चूरधार। डिस्टेंस है वो 200 किलोमीटर का है, तो अभी 2 बज रहे हैं, हमको कम से कम 5 घंटे लगने वाले हैं। बार बार चंडीगढ़ से कोई इतना ज्यादा बड़ा ग्रुप जा रहा है जो कि ट्रैकिंग के लिए जा रहा है। सो गाइस चलते चलते हमको 5 बजने वाले हैं, 5 बजने वाले हैं सुबह के। अभी यहाँ पे सभी वेट कर रहे हैं, हम उनो खेल रहे हैं और थोड़े लोग हमारे हैं जो वो रह चुके हैं, जितने लोग यहाँ पे अभी बैठे हुए हैं अभी इतने ही लोग रह चुके हैं और काफी शोर आ रहा है, तो अभी शायद आपको ना भी सुनाई दे। सो ये हमारे सारे दोस्त हैं, अभी आपको सबसे मिलाएंगे। और एक ये सेक्सी बॉय जैन सर। तो हे गाइस गुड मॉर्निंग, तो सुबह के बज रहे हैं भाई 2, मतलब रात के 2 बोलो या सुबह के 2 बोलो। सो अभी हम सभी दोस्त एक साथ इकट्ठा हुए हैं और हम जा रहे हैं चूरधार। तो हम हैं भाई, मतलब कि कितने बताऊं आपको, मतलब अभी मुझे अच्छे से मैंने काउंट भी नहीं किया, बट हमको पता है कि हमारे साथ 28 लोग हैं और 28 भाई हैं हमारे जो हम चूरधार जा रहे हैं। और बाकी ये देखो भाई, ये रहे सब भाई, ऐसे लग रहा है कि बस स्टैंड पर आ चुके हैं। और ये सारे हैं यहाँ पे, ये भाई ये नहीं जा रहा है, बट ये नहीं जा रहा है, बट ये नेक्स्ट टाइम जाएगा। सो यहाँ पे भी ब्लॉगिंग चल रही है और ये सभी बाइक खड़ी हैं। ये हमारे आशी भाई, आजी भाई। सो ये भी चल रहा है इधर, बाकी ये सभी हमारे दोस्त। देखिए हमारा ये हमारे भाई, ये हमारे पीछे बैठेंगे, ये हमारा पीछे से शूट करेंगे, आगे से शूट करेंगे। ये हमारे अमन भाई हैं। तो अभी बस कुछ ही देर में हम निकलने वाले हैं, बस हमको जाना है चूरधार जा रहे हैं, चूरधार ट्रैक पे जा रहे हैं। सो वहाँ से जो यहाँ से डिस्टेंस है वो 200 किलोमीटर का है, तो अभी 2 बज रहे हैं, हमको कम से कम 5 घंटे लगने वाले हैं। सो देखते हैं कितना टाइम लगेगा, क्या होता है और कैसे चलते हैं, तो आपको सब दिखाएंगे। बहुत मज़ा आने वाला है, पहली बार भाई चंडीगढ़ से कोई इतना ज़्यादा बड़ा ग्रुप जा रहा है जो कि ट्रैकिंग के लिए जा रहा है, सो काफ़ी एक्साइटेड रहेगा, तो देखते हैं। और ये हमारे 3-4 भाई अभी ड्रोन शॉट ले रहे हैं। ठीक है, चीमा आगे चलेगा, रखना थोड़ा इतना गैप बना के रखना कि वही तुम उसको। सो गाइस फाइनली हम चूरधार के लिए निकल चुके हैं और हमारे साथ है भाई 24 या 25 लोग, और भाई काफ़ी मज़ा आने वाला है। सो आधे फ्रेंड्स हमारे ये रहे हैं, तो अभी हमको पेट्रोल भी डलवाना है, तो हमारी बाइक में अभी पेट्रोल भी नहीं है। अभी डलवाते हैं अपनी बाइक में पेट्रोल। सो गाइस फाइनली हमारी बाइक में पेट्रोल है, जो वो फुल हो चुका है, टैंक फुल हो गया, ये देखो फुल हो चुका है। और 1260 रुपये का हमारी गाड़ी में पेट्रोल आया है जो कि पावर वाला है। सो गाइज फाइनली पेट्रोल डल चुका है हमारी बाइक में, सब कुछ हो चुका है भाई। और जो दूसरे दोस्त हैं उनके भाई, किसी के बाइक में हवा नहीं है, किसी को कुछ करना है, सो उसके कारण काफ़ी लेट हो गए हैं। और भाई 3 यहीं पे बज गए हैं भाई हमको चंडीगढ़ में। सो यहाँ से हमारी है 4 से 4.5 घंटे की ड्राइव है। सो देखते हैं कितना टाइम लगता है हमको, बाकी इतने सारे लोग हैं भाई, 24 लोग हैं और 12 बाइकें हैं। सो देखते हैं कि हमको कितना टाइम लगेगा, क्योंकि भाई रुक रुक के चलना पड़ेगा, एक दूसरे को देखना भी पड़ेगा। सो तो जैसे ही उजाला होता है, मतलब जैसे ही रोशनी आती है, तो आपको दिखाते हैं, क्योंकि अभी ब्लॉगिंग करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अंधेरा काफ़ी है, आपको भी कुछ समझ में नहीं आएगा, और इसलिए हम जल्दी से अपना रास्ता क्लियर है जो वो उसको खींच लेते हैं, तो मतलब कंप्लीट कर लेते हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस है जो उसको कवर कर लेते हैं, तो उसके बाद आपको दिखाते हैं कि हाँ हमने क्या किया। सो गाइस चलते चलते हमको मे भी शायद 5 बजने वाले हैं, 5 बजने वाले हैं सुबह के, और हम अभी पहुंचने वाले हैं राजगढ़। राजगढ़ यहाँ से कम ज़्यादा नहीं तो 10 या 12 किलोमीटर दूर है,
सो अभी अभी हमको लग जाएगा आधा घंटा या 40 मिनट, क्योंकि रोड काफ़ी छोटा है और अंधेरा भी काफ़ी है। सो देखते हैं कितने देर में पहुंचते हैं हम। काफ़ी ना कर्व मोड है, एकदम ही ना शार्प मोड है काफ़ी। सो देख के चलना पड़ रहा है, और काफ़ी हमारे साथ, जैसे कि आपको पता है कि हाँ भाई 24 लोग हैं तो फिर सबका ध्यान रखना पड़ता है, तो आराम से चल रहे हैं बिल्कुल। बाकी अभी कुछ दिखाने का तो है नहीं, सो इसलिए मैंने कैमरा बंद ही किया हुआ है। आपको क्या ही बताऊं मैं अभी ना, क्योंकि आपको कुछ मैं दिखा भी नहीं सकता क्योंकि अंधेरा काफ़ी है। सो जैसे ही उजाला होता है फिर आपको दिखाते हैं क्या क्या हम करते हैं और कैसे ट्रैक स्टार्ट करते हैं। और भूख भी लग रही है यार अब तो बहुत तेज, क्योंकि मैंने कुछ खाया पिया भी नहीं था रात को, सो भूख लग रही है अब। सो गाइस फाइनली हम जो है वो रामगढ़ पहुंच चुके हैं, और ये हमारी बाइकें खड़ी हैं, और फाइनली हम अभी रामगढ़ पहुंच चुके हैं और वो सब खड़े हैं अपने दोस्त। सो भाई चाय चुई पी रहे हैं सब, तो चाय पियेंगे और कुछ खाएंगे, थोड़ा सा रिलैक्स सा हो जाएगा, फिर इसके बाद रह गया हमारा 28 किलोमीटर जहाँ से हमारा ट्रैक स्टार्ट होगा। दुकान है, अच्छे लग रहे हो भाई, ठीक है, अच्छे लग रहे हो। क्या कर रहे थे तुम, धुआं सा आ रहा था इधर से। मायसेल्फ आशीष गुरु, मीट तुषार थापा, बाजी चाय ने बोल दी भाई सुबह सुबह। बाजी यार बोल ही नहीं दे कोई, बाजी जवाब ही नहीं दे, तो गाइज फाइनली हम निकल चुके हैं नूराधार के लिए, और यहाँ से है 27 किलोमीटर नूराधार है जो, और अब देखो भाई अब थोड़ी सी रोशनी आ रही है ना। अब ये देखो भाई सामने को पूरे ब्राउन माउंटेन्स है भाई यहाँ पे, मतलब यहाँ पे स्नो गिरती होगी क्योंकि ब्राउन माउंटेन है ना। गाइज अभी हम रुके थे एक बहुत ही प्यारा व्यू देखने के लिए, और पहले तो ये देखो भाई ये बाइकें कैसे लगी हुई हैं, और भाई फाइनली सनराइज़ हो चुका है। ये देखो भाई सामने का व्यू देखो, क्या ज़बरदस्त लग रहा है भाई, कितना प्यारा लग रहा है। भाई रास्ता देखो भाई कितना प्यारा रास्ता है भाई, पेड़ ही पेड़ है भाई, चीड़ के पेड़ हैं और इधर भी चीड़ के पेड़ है भाई, कितना प्यारा रास्ता लग रहा है। अगर ये रोड अच्छी होती तो कितना अच्छा वो होता भाई ये रास्ता ना, ऐसे दोनों साइड से पेड़ कवर करके पूरे रास्ते वो चल रहे हैं और इतना अच्छा लगता, बट ये टूटी रोड ने काम खराब कर रखा है। हो सो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं और बाइक पार्किंग में लग चुके हैं, और भाई बहुत ही ज़्यादा थक चुका हूँ मैं, और अभी तो मैंने ट्रैक भी नहीं स्टार्ट किया सच में भाई। रास्ता इतना गंदा था, इतना गंदा, बहुत टायर्ड हो गए भाई, सबकी शक्लें देखो भाई, सब थक चुके हैं। तो हे गाइस फाइनली हम पहुंच चुके थे नूराधार, और यहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है, ये है चूरधार का जो, मतलब जहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है तो यहाँ से स्टार्ट होता है, और एक और जगह है जहाँ से मतलब कि बाइक जाएंगी, और डायरेक्ट 3 किलोमीटर का मतलब रास्ता है जो वो कट जाता है। तो अभी डिसाइड करेंगे, देखते हैं कि कहाँ से जाएंगे, कि मतलब सीढ़ियों से जाना है या ऊपर जो 3 किलोमीटर जो रास्ता कट जाता है वहाँ से जाएंगे। ये नवा बना है तो देखते हैं कैसा होगा। और खाना खुना सब खा लिया, अंदर बैठे हैं मेरे दोस्त, तो ब्रेकफास्ट हो चुका है, बाकी सब रेडी हैं, तो देखते हैं कैसे क्या रहेगा हमारा ट्रैक, की अपना सीढ़ियों से करना है या फिर बाइक लेके जाएंगे तो वहाँ से होगा, बाकी ये सब बैठे हुए हैं। सो गाइस फाइनली डिसाइड हो चुका है कि हम जा रहे हैं बाइक से, और सभी बाइक वापस आ चुकी हैं ऊपर, तो अभी जाएंगे बाइक से और हम 2 या 2.5 घंटा हमारा बच जाएगा। और यहाँ पे बाइक है जो
नंबर प्लेट टूट चुके और भाई ये देखो क्या रस्सी से जुगाड़ कर रहे हैं भाई पूरा क्या जुगाड़ हो रहा है भाई क्या जुगाड़ हो रहा है ये देखो भाई पूरा सही जुगाड़ हो रहा है भाई। सो गाइस फाइनली हम वहां पे पहुंच चुके हैं जहां पर हमको बाइक खड़ी करनी थी। सो ये हमने अपनी बाइक खड़ी कर दी है यहाँ पे, ये पार्किंग बनाई हुई है ना, तो पार्किंग में बाइक लग चुकी है और जो धूप है ना वो बहुत तेज लग रही है और ठंड भी ऐसी बात नहीं है। और यहाँ से 12 किलोमीटर का रास्ता है, सो 12 किलोमीटर हमको यहाँ से ट्रैक करना पड़ेगा और जो कि बहुत टफ होने वाला है। सो भाई दो बंदे हैं जो हमारे डेड हो चुके हैं, सो मतलब उन्होंने कभी ट्रैक नहीं किया है तो उनको शायद मतलब प्रॉब्लम हो रही है ज़्यादा। एक बंदा है वो वॉमिट भी कर रहा है, तो अभी थोड़े कपड़े कपड़े उतार रहे, रिलैक्स कर रहे हैं, अनुज उनके पास है तो देखते हैं शायद थोड़ा ठीक हो जाए, बस कुछ ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो, वरना कुछ भी हो सकता है, वापस भी जाना पड़ सकता है।